फ्रेंड्स, मैं कुमकुम सिंह, कुमकुम की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं कद्दू के कोफ्ता की रेसिपी बता रही हूँ। कद्दू के कोफ्ता तो आप लोग खाए भी होंगे, लेकिन आप मेरी विधि से बना के जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरा आने वाला वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो चलिए मैं आपको कद्दू का कोफ्ता बना के दिखाती हूँ। आज मैं एक कद्दू का कोफ्ता की रेसिपी बता रही हूँ, कद्दू जिसको लोग लौकी भी कहते हैं। अब मैं इसको बना के दिखाती हूँ। सबसे पहले इसको छील लेना है अच्छे से। ये छोटे साइज का लौकी है, इसमें बीज भी अच्छा से नहीं हुआ, इसका अच्छा कोफ्ता बनता है। आप जब भी बनाए तो छोटे साइज का ही लौकी ले। देखिए मैं छील के अच्छे से इसको धो ली हूँ, साफ कर ली हूँ। अब इसको इस तरह से कट कर ले। छोटे छोटे पीस में इसको कट कर लेना है। देखिए इसमें बीज बिल्कुल नहीं है। देखिए छोटा कद्दू का ही हमेशा इस्तेमाल कीजिएगा। कद्दू मेरा कट गया है। अब मैं इसको कुकर में थोड़ी देर के लिए बॉईल कर दूंगी, 3 सीटी दिला दूंगी। मैं इसमें देखिए इस ग्लास से हाफ ग्लास पानी डाली हूँ। ये पानी का मैं बाद में इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि कद्दू में भी पानी छोड़ेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा पानी डाली हूँ। और तेज फ्लेम पर 3 सीटी दिलाऊंगी, क्योंकि कद्दू बहुत जल्दी गल जाएगा। इसलिए देखिए मेरा कद्दू अच्छे से उबल गया है और ठंडा भी हो गया है। अब मैं इसको फायदेमंद होता है इसलिए मैं इसका पानी बाद में सब्जी में डाल के इस्तेमाल करूंगी। बीपी पेशेंट वालों को भी बहुत ही फायदेमंद है। और देखिए इसको इस तरह से दबा दबा के पूरा पानी इसका निकाल लेना है, ताकि पानी जब रहेगा तो ज़्यादा बेसन पड़ेगा और बेसन ज़्यादा डालने से ये कड़ा हो जाता है। इसलिए जितना दबा के निकाल पाए निकाल लें। और ये पानी फिर यूज कर देंगे, इसका ग्रेवी में इस पानी को इस्तेमाल करेंगे। देखिए मैं अच्छे से दबा दबा के निकाल ली हूँ। थोड़ा पानी तो इसमें रहेगा, क्योंकि कद्दू में पानी बहुत होता है, पूरा नहीं निकल सकता है, तो थोड़ा है। अब मैं इसको इसमें डाल के रख ले रही हूँ, क्योंकि मैं फिर इसका पानी का इस्तेमाल करूँगी। ये मेरा कद्दू देखिए मैं अच्छे से पानी निकाल के रख ली हूँ। अब इसको इसके बाइंडिंग के लिए ये देखिए बेसन है। बेसन जितना इस्तेमाल लगेगा उतना मैं डालूंगी, ये नहीं कि इसका फिक्स है। ऐसे इसमें 4 चम्मच मैं डालूंगी, लेकिन लगता है इसमें 4 से थोड़ा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि इसमें पानी बहुत होता है। ये सूखा मसाला में मैं ये 5 मिर्च है, लहसुन की कलियाँ हैं आधी है, और 2 चम्मच जीरा और 1 चम्मच गोलकी है। इसको मैं इसका मैं पेस्ट तैयार करूँगी। और ये प्याज है, 2 प्याज लंबे लंबे टुकड़े में काटती हूँ। और ये टमाटर है, इन सबको सूखा मसाले के साथ मैं पेस्ट तैयार करूँगी। ये प्याज जो एक छोटे साइज के प्याज है, इसको कट करके रख ली हूँ। मुझे थोड़ा सा जब तेल में डाल के डालूंगी सबसे पहले, तो प्याज डाल के प्याज और तेज़पत्ता डाल के मैं छौंक लगाऊंगी, इससे स्वाद इसका अच्छा आता है। ये धनिया पत्ता है। मसाला में मैं ये हल्दी पाउडर, ये कश्मीरी मिर्च ये कलर के लिए डालूंगी, ये धनिया पाउडर, क्योंकि धनिया पाउडर मैं नहीं पीस रही हूँ, धनिया नहीं पीस रही हूँ। ये किचन किंग है, इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। ये नमक है, स्वाद अनुसार डालें। ये गर्म मसाला है। और ये कस्तूरी मेथी है, थोड़ा मैं इसका भी इस्तेमाल करूँगी। सबसे पहले मैं पेस्ट तैयार कर ले रही हूँ। ये टमाटर, ये जो लंबे आकार का मैं प्याज काटी हूँ डाल रही हूँ। प्याज, सूखा मसाला जो मैं ली थी, इन सबको पेस्ट तैयार कर ले रही हूँ। ये 2 चम्मच पानी डाली हूँ, ज़्यादा पानी नहीं, क्योंकि इस प्याज में पानी है और टमाटर में भी। देखिए मेरा ये पेस्ट तैयार हो गया है। सबसे पहले मैं ये कद्दू में ये पीसा मसाला डाली हूँ, क्योंकि इसमें सारा मसाला होता है। ये हल्दी पाउडर थोड़ा सा, नमक, धनिया पाउडर और ये बेसन। ये धनिया का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, धनिया भी डाली मैं। मसाला थोड़ा मैं और डाली हूँ, क्योंकि इसमें अंदर मसाला अच्छा लगता है। अब मैं इसे मिक्स कर लूँगी।
बेसन थोड़ा और लगे लग रहा है गीला गीला, लेकिन मैं बहुत पानी निकाल दी थी। कद्दू में बहुत पानी होता है, इसमें बेसन का मात्रा थोड़ा ज़्यादा लगता है। देखिए गीला गीला लग रहा है, बेसन उतना पड़ेगा जब तक ये बाइंडिंग ना हो। थोड़ा बेसन और रख ली थी मैं, इसमें से डाल दी। दूसरे चीज़ का कोफ्ता बनाइएगा उसमें नहीं लगता है, पर इसमें कद्दू में थोड़ा ज़्यादा लगता है, इसमें पानी बहुत होता है। देख के मैं देख रही हूँ, इस तरह से गोल बन जाएगा, थोड़ा गोल में दिक्कत है। हाँ, इस तरह से बन जाएगा। ये ब्रेड क्रम्स है, कद्दू के कोफ्ता में ज़रूर डालें, ये पानी भी सोखता है और इसमें रस भी अंदर चला जाएगा अच्छे से। देखिए इसको डालते ही पानी इसमें कम हो गया, ब्रेड का तो नेचर है पानी सोखेगा। मैं 2 चम्मच ली थी, देखिए मेरा तैयार भी हो गया अच्छा से। और इसमें ये पकौड़ा बनने के बाद इसका इसमें रस भी अच्छे से जाएगा। देखिए अब मेरा ये अच्छा तैयार हो गया है, अब मैं इसमें अच्छे से बना सकती हूँ। देखिए इसको हल्का हाथ से ही गोल करना पड़ेगा, देखिए इस तरह से गोल हो जा रहा है। इसका नींबू का आकार का बनाना है, ज़्यादा बड़ा नहीं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा बनाएंगे तो इसमें ये डाला रहता है ना बेसन, तो बहुत कड़ा हो जाएगा। छोटे छोटे साइज़ का, देखिए बस नींबू का साइज़ बनाना है इसमें। लौकी का ये कोफ्ता में एक सीक्रेट ही है कि इसमें ब्रेड क्रम्स ज़रूर डालें, उससे पानी भी कम हो जाता है ऐसा और अच्छे से उसमें ग्रेवी भी जाएगा। और अब मैं आगे भी एक सीक्रेट बताऊँगी, इससे इसका स्वाद काफ़ी बढ़ जाता है। मैं मस्टर्ड ऑयल बना रही हूँ, आप जो भी तेल खाते हैं उसमें बनाइए। देखिए मेरा तेल, लेकिन तेल अच्छा गर्म होना चाहिए, मेरा तेल अच्छा गर्म हो गया है। देखिए इसमें मैं इस तरह से डालू, थोड़ा दूर दूर पर डालिएगा ताकि पलटने का जगह मिल जाए। थोड़ा दूर दूर करके डालिए, देखिए इस तरह के छोटे चम्मच से इसको ऐसे पलट लें। और थोड़ा पकने के बाद, ये नहीं कि तुरंत तुरंत पलटिएगा तो टूटने लगता है। देखिए इधर से पक गया, थोड़ा मैं छोड़ दी तब उलटने में ये नहीं टूटेगा। और छोटे चम्मच से उलटिए, अच्छे से उलट जाता है। देखिए मेरा कोफ्ता बनके तैयार हो गया है, इसको छोटा चम्मच से पलटिएगा एकदम ध्यान से। और थोड़ा डालने के बाद थोड़ा देर रुक जाइएगा, मैं कटहल का कोफ्ता भी डाली हूँ लेकिन थोड़ा उसका प्रोसेस इजी होता है, उसमें पानी बिल्कुल नहीं होता ना, इसमें पानी होता है लेकिन हेल्दी काफ़ी होता है ये। अब मैं दूसरी बार भी डाल के पकौड़ा बना ले रही हूँ। देखिए मेरा पकौड़ा बनके तैयार हो गया है, अब मैं इसका ग्रेवी बनाऊंगी। और इसमें देखिए मेरा बेसन भी मैं कम डाली हूँ, क्योंकि ब्रेड क्रम्स डाली हूँ और ब्रेड क्रम्स भी घर का है, होममेड मैं बनाई हूँ, उसको आप कुमकुम की रसोई में जाके देख सकते हैं। इसमें से मैं तेल थोड़ा निकाल ली हूँ, क्योंकि उतना तेल में ग्रेवी नहीं बनाना है। और ये प्याज पहले, सबसे पहले मैं प्याज थोड़ा सा जो प्याज काट कर रखी थी एक छोटे से साइज का, उसको डाल रही हूँ। देखिए मेरा प्याज भून गया है, ब्राउन कलर का हल्का लाइट कलर आ गया है। अब मैं इसमें ये मसाला डालूँ, क्योंकि इसको भी मुझे भूनना है, इसलिए प्याज कच्चा है। देखिए मेरा पीसा मसाला भून गया अच्छे से। अब मैं इसमें हल्दी पाउडर डाल दूँगी, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, किचन की इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है, जरूर डालें। कश्मीरी मिर्च है, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। मैं इसमें गोली, मेरा मसाला भून गया है देखिए अच्छे से, तेल भी छोड़ दिया है। मैं पहले बोली हूँ कि मुझे एक सीक्रेट है, ये मलाई डालना है, वो सीक्रेट है। एक और सीक्रेट है, वो भी मैं आगे बताऊँगी। मलाई डालने के बाद खूब तेज़ तेज़ चलाएँ ताकि ये फटे नहीं, खूब तेज़, जितना तेज़ चला सके, एकदम मिक्स हो जाने का। देखिए मेरा मलाई अच्छे से मिक्स हो गया है, और मलाई डालने से कोफ्ता काफ़ी लजीज बनता है, ज़रूर डालें।
अब मेरा मसाला अच्छे से भुन गया, देखिए पूरे चारों तरफ से तेल छोड़ दिया है। अब मैं इसमें पानी डाली हूँ, पानी वही लौकी वाला पानी है, लौकी का पानी का कभी नहीं फेंकना है। नमक डाली हूँ मैं, टेस्ट के अनुसार डालें जितना पसंद करते हैं, क्योंकि मैं पहले भी कोफ्ते के पकौड़े में डाली हूँ। देखिए ये कस्तूरी मेथी है, इसको ऐसे दरदरा करके इसको हाथ से दबा के मैश के इसमें डाल दीजिए, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। एक गरम मसाला है, गरम मसाला के बिना तो कोफ्ता पूरा ही नहीं होता है, इसे ज़रूर डालें। ये धनिया का पत्ती भी मैं अंदर डालती हूँ, थोड़ा गार्निश भी करूँगी, अंदर डालने से स्वाद बहुत बढ़ जाता है, ज़रूर डालें। और ये अब मैं कोफ्ता डाल दे रही हूँ, इसको भी डाल के मैं 2-3 मिनट पकाऊंगी। इसको टर्न सावधानी से करें, छोटे चम्मच से करें ताकि ये टूटे नहीं। मैं 2 मिनट इसको ढक के पका रही हूँ। देखिए मेरा यमी कोफ्ता तैयार हो गया है, काफ़ी स्वादिष्ट दिख रहा है, कलर भी बहुत अच्छा आया है। अब मैं इसको फ्लेम बंद करी और सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए मेरा दूसरा सीक्रेट था कि ये मैं 2-3 चम्मच घी ली हूँ और इसको गैस पर रखी हूँ। और देखिए ये जीरा है, इसलिए मैं जीरा का इस्तेमाल पहले नहीं की हूँ, इसमें जीरा डाल दी। ये छौंक लगाएंगे ना तो इसको फ्लेम को एकदम कम कर देना है। और देखिएगा ये क्योंकि घी है तो बहुत जल्दी जल जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा, थोड़ा इसे ऊँचा करके रखें। देखिए मेरा जीरा का तड़का तैयार हो गया है, इस तरह से ढके इसको करना है ताकि जीरा भी आते ना पड़े और इसका इस तरह से छौंक कीजिए, बहुत स्वादिष्ट बनता है। और बताइएगा कैसा बना, मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए मेरा ये लौकी का कोफ्ता बनके तैयार है, अब मैं इसे धनिया से गार्निश कर रही हूँ। काफ़ी स्वादिष्ट बना है, बना के जरूर ट्राई करें और कमेंट करें कैसा बना।